अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया थर्ड T20 मैच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो मुकाबले इंडिया ने वोन कर लिए और यहाँ पे तीसरा मुकाबला दोस्तों खेला जाना है आपका बेंगलुरु स्टेडियम पे। मैच बहुत रोमांचक होगा। अगर आपको यहाँ पे ग्रैंड लीग विन करनी, स्मॉल लीग विन करनी, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आपको यहाँ पे विनिंग करनी, मैं आपको यहाँ पे 6-7 प्लेयर ऐसे दूंगा जो परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे विन करवाएंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन टेंशन बिल्कुल नहीं, कैप्टन आपको ही मिलने वाला। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में बेहतरीन यहाँ पे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। दोस्तों बात करने वाले हैं हम यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान के थर्ड T20 मैच के बारे में। तो 17 तारीख 7 बजे शाम को वेन्यू बेंगलुरु स्टेडियम, पिच बैटिंग। आपको पता है यहाँ पे IPL में और आपने यहाँ पे वर्ल्ड कप में देखा बेंगलुरु स्टेडियम किस प्रकार से यहाँ पे बिहेव करता है, पिच किस प्रकार बिहेव करती है। यहाँ पे सरफेस बहुत हार्ड है, यानी कि पिच बैटिंग है। और यहाँ पे दोबारा आपको जो दो मैच जैसे आपने देखे इंडिया के, ऐसे सेम देखने को मिलने वाला और यहाँ पे परफॉर्म बल्ले से दोस्तों आने वाली। इस बार दोस्तों फिर यहाँ पे कोहली, दुबे, रोहित शर्मा परफॉर्म करने वाले। अगर पहले बैटिंग करते तो हो सकता है जय शर्मा भी यहाँ पे परफॉर्म दोस्तों कर दे, जितेश शर्मा भी यहाँ पे रन बना दे, तो बल्लेबाज आपको यहाँ पे लेके चलने परफॉर्म करेंगे। और इस बार रोहित शर्मा का जैसे बल्ला चलने वाला है तो इसको आप यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना दोस्तों। इस बार जसवाल भी चलेगा, रोहित भी चलेगा और यहाँ पे कोहली भी चलेगा। दुबे थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल हो सकता है, लेकिन दुबे का एक प्लस पॉइंट ये है कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करेगा तो आपको पॉइंट कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट दे देगा। लेकिन VC के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं जाने का। इस बार कैप्टनसी के पास आप जाओ रोहित शर्मा के साथ। पिच जबरदस्त आने वाली है और आपको पता इस ग्राउंड पे, इस पिच पे ओपनर हमेशा परफॉर्म करते हैं दोस्तों। इस ग्राउंड पे, इस पिच पे 4 ओपनर इंपॉर्टेंट होने वाले। दोनों ओपनर यहाँ पे अफगानिस्तान के और दोनों ओपनर यहाँ पे इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ओपनर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बाद में दोस्तों विकेट गिरते हैं और डेफिनेटली 80% चांस यहाँ पे इंडिया जीतते हैं, तो इंडिया फिर में आप टीम लगाना और यहाँ पे ग्रैंड लीग दोस्तों विन कर जाना। बाकी दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दो टीम बना के देने वाला हूँ आज, दो टीम बनाऊंगा, एक इंडिया पक्ष में और एक यहाँ पे दोस्तों अफगानिस्तान पक्ष में। दोस्तों उसमें पहले बॉलिंग पहले बैटिंग का कोई चक्कर नहीं रहेगा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे विन कराऊंगा। इंडिया अगर विन होती है तो ये प्लेयर परफॉर्म करेंगे और अफगानिस्तान अगर विन करती है तो ये प्लेयर परफॉर्म करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्कोर के बारे में। एवरेज स्कोर की बात करूँ, 160-170 का यहाँ पे एवरेज स्कोर दोस्तों रहने वाला है और 200 तक जाएगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। वेदर क्लियर स्काई। विनिंग चांस की बात करूँ, डेफिनेटली इंडिया के 60% और यहाँ पे अफगानिस्तान के 40%। इंडिया की टीम दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग बैटिंग लाने पर आपने देख ली दुबे का, यहाँ पे टीम और दमदार होगी और दुबे यहाँ पे अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म दे रहा। हार्दिक पांडे कमी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें महसूस दोस्तों होने नहीं दे रहा, यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्म दोस्तों दुबे दे रहा। इस बार दोस्तों बैटिंग से परफॉर्म ना आई तो जरूर बॉलिंग से तो परफॉर्म आएगी, तो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक होने वाला है आपके लिए यहाँ पे और चलने वाला परफॉर्म देने वाला। लेकिन कैप्टनसी के लिए रोहित शर्मा मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूँगा और कोहली यहाँ पे चलता है। कोहली यहाँ पे 50 रन तो दोस्तों ऐसे मार देता है, तो कोहली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिक होगा इस ग्राउंड के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करूँ प्लेइंग 11 की, तो मेरे हिसाब से सेम प्लेइंग 11 रहेगी यहाँ पे इंडिया की, जैसे शिव जसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्षदीप सिंह और यहाँ पे मुकेश कुमार। दोस्तों एक चेंज इंडिया कर सकती है, यहाँ पे सुंदर की जगह यहाँ पे आप इस खान को ले सकती है, क्योंकि दोस्तों सुंदर ने दो मैचों में कोई खास परफॉर्म नहीं दी, क्योंकि सामने लेफ्टी बल्लेबाज बहुत कम है तो इसका दोस्तों कोई रोल नहीं होता। अगर विकेट गिरते हैं तो दोस्तों वैसे इसको कैच आउट या कुछ इस प्रकार से गलती से विकेट मिल जाए, बैटिंग कोई बल्लेबाज गलती करता है बैटिंग करते हुए तो विकेट मिल जाएगा। वैसे कोई इसका यहाँ पे दोस्तों रोल नहीं है, सामने लेफ्टी बल्लेबाज नहीं है और स्पिनर को कोई खास सपोर्ट नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं, तो इसे यहाँ से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेश खान दोस्तों आ सकता है, तो डेफिनेटली एक चेंज यहाँ पे होगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, तो दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं कि सामने राइटी बल्लेबाज बहुत सारे हैं तो इनको विकेट मिलने यहाँ पे चांस ज़्यादा रहने वाले। और दोस्तों लेफ्टी हमारे पास यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ से ऑफ स्पिनर मुजीबुर रहमान और नबी दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे कम से कम मैंने आपको 4 से 5 प्लेयर बता दिए जो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे यहाँ पे दोस्तों, दोनों ओपनर इसके और दोनों ओपनर इसके। और दोस्तों यहाँ पे दोनों बॉलर यहाँ पे लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और यहाँ पे लेग स्पिनर, 2 और 2 4 और 2 6 और दोस्तों यहाँ से एक दुबे, 7 प्लेयर दोस्तों डेफिनेटली चलने वाले हैं, इनको आपको टीम में रखना। पहले बैटिंग इंडिया करती है तो जितेश शर्मा तक को भी आप यहाँ पे ले सकते हो, कहीं ना कहीं अगर 20 बॉल खेलने को मिलेगी तो कम से कम 30 रन की दोस्तों पारी यहाँ पे खेल सकता है, टीम आपकी यहाँ पे यूनिक दोस्तों हो जाएगी। अफगानिस्तान के अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो सेम रहने वाली, कोई खास चेंज होते होने वाले नहीं। आर गुरबाज, आई जदरान, जी नेब, ओमर जई, मोहम्मद नबी, एन जदरान, करीम जन्नत, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और यहाँ पर नबीर उलक और फजल फारूकी। दोस्तों ये भी टीम जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैच दोस्तों यहाँ पे इनके हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडिया आराम से मैच को चेस भी कर रही है और यहाँ पे इनको कम स्कोर पर रोक भी रही है। दोस्तों यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। पहले दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पे उमर जी ने बैटिंग की थी, अच्छा परफॉर्म किया। इस बार जी ने 3 नंबर बैटिंग की, अच्छा परफॉर्म किया, तो इस बार होता है उमर जी को ऊपर प्रमोट करे और जी ने नीचे आए तो जी ने दोस्तों यहाँ से ड्रीम टीम से बाहर और उमर जी ड्रीम टीम में दोस्तों आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी, ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो आप यहाँ पे मैच पकड़ जाओगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे ड्रीम टीम बनाएंगे पिछले मैच अकॉर्डिंग के हिसाब से। और अगर यहाँ पे कप्तान ने चेंजिंग कर दी तो दोस्तों थोड़ी टीम वहाँ पर खराब हो जाएगी, बहुत सारी टीम इस प्रकार खराब हुई। लोगों ने सोचा यहाँ पे ऊपर उमर जी खेल रहा बॉलिंग करेगा, लेकिन ना बॉलिंग मिली ना बैटिंग उस नंबर मिली, तो दोनों प्लेयर यहाँ पे फ्लॉप हो गए। इस बार जन्नत को मौका दिया गया
और दोस्तों इसी राउंड पे जन्नत को दोबारा फिर मौका दिया जाएगा, तो जन्नत इंपोर्टेंट पिक होने वाला, करीम जन्नत बॉलिंग इस बार फिर मिलेगी। जीनेब और उमर जे में आपको यहाँ पे रिस्क लेना होगा, आपको एक टीम में जीनेब को ट्राई करना होगा, एक टीम में आपको उमर जे को, क्योंकि अगर उमर जे ऊपर आता है तो तीन नंबर पर बैटिंग जरूर करेगा, और अगर बैटिंग ऑर्डर डाउन जाता है तो दोस्तों परफॉर्म यहाँ पे कर नहीं सकता, फिर यहाँ पे दोस्तों मामला गड़बड़ होने वाला। अगर यहाँ पे इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, छः दोस्तों बॉलिंग दोस्तों मेन वाले, पांच दोस्तों मेन बॉलिंग है, और यहाँ पे छठा एक दोस्तों बॉलर सुंदर के रूप में, दोस्तों यहाँ पे पावर प्ले मर संदीप सिंह, मुकेश कुमार बॉलिंग करेंगे, तीन नंबर पर बिश्नोई, चार पर अक्षर पटेल, पाँच पर दुबे, और यहाँ पे छः नंबर पर वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों इस बार यहाँ पे तीन नंबर पर आज मांगा है बिश्नोई को, हालांकि दोस्तों यहाँ पे तीन नंबर पर दुबे भी आ सकता है इस मैच में, पिच के हिसाब से किसको सपोर्ट है, तो इस बार स्पिनर सपोर्ट तो यहाँ पे बिश्नोई को लाया गया, लेकिन इस बार बिश्नोई थोड़ा डाउन जा सकता है, और पहले बैटिंग करती है तो चार नंबर दोस्तों बॉलिंग करने आएगा, और यहाँ पे एक अच्छी खासी परफॉर्म दोस्तों देने वाला। दोस्तों अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग दिखी जाएगी, बाद में छह बॉलिंग ऑप्शन है, यहाँ पे फजल फारूकी और यहाँ पे मुजीबुर रहमान पावर प्ले बॉलिंग करेंगे, तीन नंबर पर नवीन उलग, चार पे नूर अहमद, पांच पे मोहम्मद नबी, छह पे करीम जन्नत। दोस्तों यहाँ पे हम दो टीम बनाएंगे, हालांकि यहाँ पे एक टीम में काम चल जाएगा, आप यहाँ पे इंडिया को मैच फोन करवाओ, अगर इंडिया पहले बैटिंग करते तो कम से कम चार बल्लेबाज लेकर चलो, तीन दोस्तों बॉलर लेकर चलो, अगर पहले बॉलिंग करते तो चार बॉलर तीन बल्लेबाज लेकर चलो, और कैप्टन वाइस कैप्टन, बैटिंग से कैप्टन, और आपका यहाँ पे बॉलिंग से वीसी बनाओ, आपका दोस्तों यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक टीम हम यहाँ पे बना देंगे इसके पक्ष में, हालांकि मैच वो नहीं करने की, लेकिन 1% चांस यहाँ पे हम बना देंगे, थोड़ा सा बैटिंग ठीक ठाक करेगी, वो सेम मैच आपको देखने को मिलने वाला जो मैच अभी हमने दो रिसेंट देखे। अगर हमें पहले बैटिंग करेगा अफगानिस्तान कम से कम 160-170 तक का स्कोर दोस्तों बना सकती है 10 विकेट या 9 विकेट के नुकसान पे। अगर पहले दोस्तों बॉलिंग करेगी तो यहाँ पर 200 तक का स्कोर जाएगा इंडिया का, कम से कम विकेट गिरेंगे, कम से कम 3 या 4-5 विकेट दोस्तों मुश्किल से गिरेंगे, और यहाँ पर एक अच्छी खासी परफॉर्म आएगी। उस कंडीशन में आप यहाँ पे कोहली को कैप्टन, और यहाँ पे बीसी दोस्तों यहाँ पे शर्मा को दोस्तों आपस में ला सकते हो, दुबे के साथ भी आप यहाँ पे रोटेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ पे बात थी पिच रिपोर्ट की और बैटिंग लाइनअप की। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम के बारे में। अब मैं यहाँ पे दो टीम बनाऊंगा, एक इंडिया के पक्ष में, एक अफगानिस्तान के पक्ष में। दोस्तों यहाँ पे हम बल्लेबाज ज़्यादा लेकर चलेंगे, और यहाँ पे बल्लेबाज परफॉर्म करने वाले, आप चाहो तो अफगानिस्तान की टीम मत खेलना, यहाँ पे इंडिया की टीम खेलना, आपका दोस्तों यहाँ पे काम हो जाएगा, और यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप थोड़े रोटेशन कर लेना। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्म दोस्तों आने वाली है बल्ले की तरफ से, कैप्टनसी बैट्समैन से आएगी, ओपनर से आएगी, रोहित को इस बार ट्राई कर सकते हो, आप पहले बैटिंग करते हुए रोहित चल सकता है और एक अच्छी खासी दोस्तों परफॉर्म यहाँ पे दे सकता है। तो रोहित के साथ कोहली आपस में आप रोटेशन कर लो, 60-70 रन दोस्तों बना सकते हैं, कम से कम विकेट गिरने के चांस यहाँ पे मुझे इंडिया के लग रहे पहले बैटिंग करते हुए। आए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग की बेहतरीन टीम। दोस्तों यहाँ पे हमारी ग्रैंड लीग की बेहतरीन दो टीम बन चुकी है और डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, और बेहतरीन यहाँ पे कैप्टनसी निकलने वाली है, तो ध्यान से आप टीम देखना समझना। आप चाहो तो यहाँ पे एक टीम लगाओ इंडिया की, और यहाँ पे आपका काम दोस्तों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रहेगा, अगर यहाँ पे अफगानिस्तान मैच वन करके तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल विनिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आइए देखते हैं दोस्तों हमारी यहाँ पे पहली टीम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जैसे जसवाल, अक्षर पटेल, शुभम दुबे, अर्षदीप सिंह, रवि बिश्नोई, सात प्लेयर इंडिया के, यहाँ पे चार प्लेयर अफगानिस्तान के, गुरबाज, आयजदरान, मोहम्मद नबी, जन्नत। कैप्टन से यहाँ पे रोहित शर्मा कैप्टन या कोहली कैप्टन, और बीसी यहाँ पे रोहित शर्मा, आपस में आप रोटेशन कर लो, कैप्टन से यहीं से आने वाली और रोहित शर्मा इस बार चलने वाला, तो आप यहाँ पे कैप्टन लगा के यहाँ पे बीसी आप कोहली को लगा लो, काम दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा और जबरदस्त यहाँ पे टीम परफॉर्म करने वाली। दोस्तों अगर यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम देखी जाए तो यहाँ पे गुरबाज, आयजदरान, मोहम्मद नबी, उमर जई, नवीन उलग, मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी, सात प्लेयर यहाँ पे अफगानिस्तान के, और यहाँ पे चार प्लेयर इंडिया के, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, और यहाँ पे अर्षदीप सिंह। कैप्टन दोस्तों यहाँ पे आयजदरान, बीसी मोहम्मद नबी, और यहाँ पे बीसी उमर जई। अगर ये टीम वन करती है तो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे प्लेयर दोस्तों, यहाँ से बैटिंग से पॉइंट देंगे और आपको यहाँ से दोस्तों बॉलिंग से पॉइंट देंगे। दोस्तों हमारी ये दो टीम थी बेहतरीन वाली, और इसमें वाली दोस्तों एक तरफा भी वन करते चल जाएंगी, छोटी छोटी लीग तो आप जीत जाओगे इनसे ग्रैंड लीग के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत से प्लेयर डाल दिए जो आपको यहाँ पे परफॉर्म दोस्तों करके देने वाले, जैसे दोस्तों यहाँ पे जनरल मैंने डाल दिया, तो आपको यहाँ पे परफॉर्म देगा और आपकी टीम यहाँ पे दोस्तों यूनिक बनाएगा। इसमें एक खिलाड़ी छूट गया दोस्तों यहाँ पे जितेश शर्मा, अगर चाहो तो जितेश को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्लेयर छोड़ना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे छोड़ना है दोस्तों अक्षर पटेल, बड़ा प्लेयर दोस्तों छोड़ना होगा, लेकिन वो रिस्क हो जाएगा, तो आप सेम टीम से जाओ तो आपका दोस्तों यहाँ पे काम बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने सेकंड मैच की वीडियो कवर नहीं की थी, थोड़ा हेल्थ इशू था, इसलिए हमने यहाँ पे तीसरी वीडियो दोस्तों कवर की है, और डेफिनेटली अब यहाँ पे सारी वीडियो आएंगी और आपको यहाँ पे बेहतरीन दोस्तों पिटिशन दिया जाएगा, और यहाँ पे आपकी एक तरफ विनिंग करवाई जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो फटाफट लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कॉम्बिनेशन बेहतरीन पिटिशन साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।